नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम जो कि इंटेग्रिटी हम लोग सीरीज़ आए दिन आपके सामने लेके आते हैं। डॉक्टर पंकज डोबले, डायरेक्टर ऑफ इंटेग्रिटी हॉस्पिटल से आज हम जानेंगे B12 और विटामिन डी जो है ये पहले तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि B12 और विटामिन डी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ये होता क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज धोबले, डायरेक्टर इंटीग्रिटी हॉस्पिटल। विटामिन जैसे हम लोगों ने कॉमन सुनते हैं, अब जनरल पेशेंट भी जाता है किसी डॉक्टर के पास तो वो अपनी बीमारी में बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कोई विटामिन की दवाई दे दो। और विटामिन बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? विटामिन ऐसे छोटे मिनरल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के सेल फंक्शन, हमारी बॉडी किससे बनती है? सेल से बनती है। छोटे छोटे सेल बन के एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बना के हमारी बॉडी बनती है। तो सेल्स जो होते हैं, सेल्स में भी लाइफ होती है। जैसे हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, वैसे ही सेल्स को भी न्यूट्रिशन लगता है। तो न्यूट्रिशन में जो प्रोवाइड करता है उसमें से विटामिन एक पार्ट है। विटामिन में देखा जाए तो देयर आर नंबर ऑफ विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। हर एक विटामिन का फंक्शंस अलग अलग है। आज हम कौन बात करेंगे विटामिन B12 और विटामिन डी के बारे में। विटामिन B12 इज सब टाइप ऑफ विटामिन बी, इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12 काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। लेकिन आजकल जो कॉमन लोगों में सिम्टम्स पाए जाते हैं या फिर जो लोगों में कॉमन डिजीजेस पाई जाती है विच आर मोर लिंक टू विटामिन B12 एंड विटामिन टी। अगर हम बात करें तो किन चीज़ों से हमें विटामिन B12 मिलता है और विटामिन डी मिलता है? डी का जो नेचुरल सोर्स है वो हमारा सनलाइट है। हमारे सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो हमारे स्किन पे पहुंचकर विटामिन डी सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। वो भी हमें धूप कम, जैसे हमारे दादा दादी बुजुर्ग कहते थे कि आप सुबह की धूप में बैठिए, सुबह की जो धूप होती है सुबह 6:30, 7 बजे से 9 बजे तक लगकर वो काफ़ी कारगर होती है। आप अपने छत पर जाइए, गाँव में रहते खेत में जाइए, खुले ग्राउंड में जाइए, ऊपर का बॉडी का शर्ट निकाल के मेंस लोग या फिर जो लेडीज़ है अपने हाथ ओपन करके धूप में बैठिए ताकि वो जो सन रेस अर्ली मॉर्निंग की जो होती है वो आपके स्किन में जाकर विटामिन डी सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। फूड आइटम्स भी मल्टीपल है, मिल्क हो गया, बाकी चीज़ें जिसमें विटामिन डी मिलता है, बट नेचुरल सोर्स है सनलाइट। सनलाइट भी अर्ली मॉर्निंग बिकॉज कि उसके बाद के सनलाइट जो आफ्टर 9-10 होते हैं उसमें भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सनलाइट वो रेज हार्मफुल होती है। सो अर्ली मॉर्निंग इज़ बेस्ट। B12 देखा जाए तो B12 वेजिटेरियंस में बहुत कम मिलता है। वेजिटेरियंस में कुछ है, डाइट पकड़ लीजिए, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, फ्रूट्स में बनाना, एप्पल, तो इन चीज़ों में बहुत ही निग्लिजिबल क्वांटिटी मिलती है, मिलता है लेकिन बहुत कम। विटामिन B12 का जो हाईएस्ट सोर्स है हमें मिलेगा मीट्स, मीट, चिकन, फिश, नॉनवेज फूड में विटामिन B12 काफ़ी अच्छे से पाया जाता है। ये विटामिन की कमी से क्या साइड इफेक्ट हमें बॉडी में देखने के लिए मिलता है? जैसे मैंने बताया विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर योर कैल्शियम सिंथेसिस, योर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। आपकी बॉडी में जो कैल्शियम लगता है उसका जो प्रमोट या एब्जॉर्प्शन करने का काम विटामिन डी करता है, B12। अब B12 के काफ़ी यूजेस हैं। B12 एक फैक्टर है ब्लड का, जैसे किसी को खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण जो मैक्सिमम पाए जाते हैं वो तो आयरन मतलब लोहा, मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि ब्लड में एक आयरन पार्ट होता है, वो दूसरा होता है B12 और लोहा, वो ब्लड सेल्स को बनने में हेल्प करते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया कि आपके खून कमी हो रही है, तो B12 मोस्ट कॉमनली सीन इन वेजिटेरियंस। नॉनवेज में भी होता है लेकिन वेजिटेरियन में जो एनीमिया मिलता है, जो ब्लड की खून की कमी, वो B12 से ज़्यादा होता है। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, कमी के बाद जो ट्रीटमेंट्स रहती है वो क्या क्या रहती है? देखिए, जैसे मैंने बताया विटामिन डी आपको सन एक्सपोजर तो है ही, कि आजकल जो हमारे पास सोर्सेस आ गए हैं विटामिन डी की टैबलेट्स आती है। आप देखा जाए तो विटामिन डी टैबलेट्स लिक्विड्स फॉर्म में मिलता है जिसमें आप वंस अ वीक का डोज ले सकते हो। वंस अ वीक अराउंड आप 4-6 वीक्स कर लीजिए, आपका विटामिन डी का जो क्वान्टिटी सफिशेंट हो जाएगी। B12 में भी जैसे नॉनवेज में आपको पता है, नॉन वेजिटेरियंस में क्वांटिटी फूड ज़्यादा है, मीट, चिकन,
तो उनमें वो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अपना जो क्वांटिटी है उनका स्टोरेज है विटामिन मिनरल वहाँ से पूरा कर सकते हैं। वेजिटेरियंस में बहुत प्रॉब्लम है, आपको मिलेगा, मैं नहीं बोलता मिलेगा नहीं, कर्ड में मिलेगा, बनाना में मिलेगा, कुछ कुछ क्वान्टिटी मिलेगा, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए उतना सफिशेंट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी जो सेल्स हैं जिनको जितना न्यूट्रिशन चाहिए B12 का, जैसे अगर कोई आदमी की भूख 4 रोटी की है तो अगर वो 1 रोटी खाएगा तो उसकी भूख, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी या फिर उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होगा। इसी तरह विटामिन B12 हमें फ्रूट से कहीं मिलेगा लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, उसके लिए भी आजकल इंजेक्टेबल्स आ गए हैं, डोजेस टैबलेट्स आ गए हैं जिसमें सफिशेंट क्वांटिटी में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है पर्टिकुलर एज के पर्सन या पर्टिकुलर डिजीज के पर्सन के लिए उतना उनको मिल जाता है। जैसा आपने मेडिसिंस की बात की तो मेडिसिंस कौन सी कम होने के बाद लेनी चाहिए, प्रेफरेंस कौन सा सबसे ज़्यादा मेडिसिंस को दिया जाता है? मेडिसिंस तो आजकल सभी अच्छी है, ब्रांडेड कंपनीज हैं जो अच्छी मेडिसिंस बनाती है, इंजेक्टेबल्स भी बनाती है, टैबलेट्स भी बनाती है। दूसरा एक और सोर्स है विटामिन B12 का, विटामिन B12 हमारे गट में भी प्रोड्यूस होता है, गट मतलब हमारा इंटेस्टाइन, वहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हार्मफुल, हमारे गट में दोनों बैक्टीरिया होते हैं, हेल्पफुल हार्मफुल। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे गट से ही मटेरियल से विटामिन B12 सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं, स्टिल दैट इज़ लेस एज वी रिक्वायर्ड फॉर आवर डेली डोजेज। तो B12 हमें वहाँ से भी मिलता है, लेकिन जैसे हमने बताया आजकल विटामिन B12 के इंजेक्टेबल्स भी आ गए हैं, टैबलेट्स भी आ गए हैं, हम इंजेक्टेबल्स कब देते हैं? जब पेशेंट को सिम्टम्स ज़्यादा हो, सपोज किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है, 3, 4, 5, ठीक है आपको ब्लड लगाना है, एक लेवल तक लगाना है, लेकिन उसके बाद आपको इंजेक्टेबल दीजिए, टैबलेट्स आती है, टैबलेट में अराउंड उसका क्वांटिटी मेंटेन रहता है ताकि आप उसको आप डेली ले सकें। इंजेक्टेबल्स आप हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं। ये कब तक लेना होता है? जब तक आपका वो हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल ना आ जाए, जब तक आपके जो बॉडी के स्टोरेज रिक्वायरमेंट मिल ना जाए। दूसरा एक और होता है विटामिन B12 का जो बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है, वो होता है जैसे कॉमन सिम्टम देखते हैं लोगों में, मेरे हाथों में झुनझुनाहट आ रही है, मुझे कुछ सेंसेशन फील नहीं हो रहा है, ये सिम्टम्स जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी होता क्या है, जैसे हमारे हाथ पैर में हमारी उंगली के टिप तक नसें नर्व्स होती हैं जो हमारे हाथ को पैरों को फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। अब इन नर्व्स का न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? नर्व्स के ऊपर एक लेयर होती है शीथ, जिसको न्यूट्रिशन या इसको बनाने में ये B12 हेल्प करता है। आप देखा जाएगा मोस्टली वेजिटेरियंस या बहुत ही रिमोट एरियाज में जहाँ फूड बोले जाए जो रिक्वायरमेंट जो उनको मिलना चाहिए रिक्वायरमेंट उतना नहीं मिलता है, बहुत लोगों को सिम्टम्स आते हैं कि मुझे पैरों में झुनझुनाहट आ रही है या फिर मैं अगर ज़मीन पर चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कपास पर चल रहा हूँ। तो ये टिपिकल सिम्टम्स B12 में आते हैं। ऐसे सिम्टम्स में आप डेफिनेटली उसको चेक करवाइए, कंसल्टेशन कीजिए, B12 इंजेक्शंस दीजिए, टैबलेट दीजिए, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई न्यूरोपैथी B12 से ही होती है, आपको जब भी सिम्टम्स हैं आपको सबसे पहले कंसल्ट डॉक्टर से ही करवाना है, सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना है। दूसरा होता है इनकी डायग्नोस्टिक टेस्ट। टुडे वी हैव अवेलेबल विटामिन डी लेवल्स, विटामिन B12 लेवल्स, इसकी टेस्ट होती है। आजकल तो जो हमारे रूटीन हेल्थ चेकअप्स होते हैं उसमें भी इंक्रॉबेट किया जाता है विटामिन डी लेवल्स आपके कितने हैं, विटामिन B12 लेवल्स कितने हैं। आज भी अगर हम 100 लोगों को जमा करेंगे सोसाइटी के, आप उनमें देखिएगा विटामिन डी लेवल्स, तो विटामिन डी लेवल आई थिंक 90% लोगों को कम आएगा, बिकॉज डाइट से तो मिलता ही कम, हमारा सन एक्सपोजर कम हो चुका है, हमारे जो डाइटरी हैबिट्स है डेली के वो बदल चुके हैं, तो इस चीज से ये इसकी डेफिशिएंसी आजकल बहुत प्रेवलेंट हो गई है। कितने पॉइंट्स रहने चाहिए, जैसे आपने बताया कि हमें कम देखने मिलता है, तो कितने मिनिमम पॉइंट रहने चाहिए विटामिन डी के हमारे बॉडी? उसके तो अकॉर्डिंग टू ब्लड टेस्ट लेवल्स उससे कुछ क्राइटेरिया है, ब्लड में देखा जाए सीरम विटामिन डी तो उसमें कुछ 30, एक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, 30 के ऊपर नॉर्मल होता है, बिलो 10 सीवियर डिफिशियंसी, उस हिसाब से आप ट्रीट करवा सकते हो। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, आज हमने ये सीरीज़ में विटामिन डी और विटामिन B12 के बारे में जाना। विटामिन डी यूजुअली हमें जो सनलाइट रेजेज रहती है, सनलाइट की रेजेज रहती है उससे मिलता है, तो जितना अगर विटामिन डी की किसी को कमी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सनलाइट रेजेज में बैठे तो विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं खुशी परियानी।
इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. आर एड्रेस विनोबा नगर खरपी रिंग रोड नागपुर. आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100.